दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चौधरी ब्रदर्स पर। और आज हम सीखेंगे एक सुपर डुपर हिट सॉन्ग, चल प्रेम नगर जाएगा बतलाओ तांगे वाले। इसका म्यूजिक पार्ट भी बहुत अच्छा है और अक्सर लोग जो दादरा बीट के जो सॉन्ग होते हैं, दादरा की दुगुनिया जिसको हम खेमटा भी कहते हैं, उस ताल पर जो सॉन्ग बजते हैं या भजन बजाते हैं कीबोर्ड पर, तो उसमें इसका म्यूजिक पार्ट मिक्स करते हैं। अपने आप में ये बहुत ही फेमस म्यूजिक पार्ट है इस सॉन्ग का। तो आज हम सीखेंगे इसका म्यूजिक पार्ट स्टेप बाय स्टेप, इसका स्थाई, इसका अंतरा, और उसके अलावा भी एक और म्यूजिक है वो भी सीखेंगे। तो आइए, अगर आप भी इस सॉन्ग को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर बैठे संगीत सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है जिसका नाम है रियाज ऐप। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें इंडियन क्लासिकल, कर्नाटक स्टाइल, काफ़ी सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। इसमें आप अपने लेवल के हिसाब से अपने सिंगिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने स्कोर को भी चेक कर सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा आपको, उस पर क्लिक कीजिए, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कीजिए और महान गुरुओं से संगीत सीखिए। आइए देखते हैं इसका स्केल। जो हमने इसका स्केल रखा है वो एफ शार्प मेजर रखा है, तीसरा काला। और मैं आपको बता दूं कि जो इसका ओरिजिनल स्केल है वो ए मेजर है, ये है, ठीक है। लेकिन हमने बिगनर को नजर में रखते हुए इसका स्केल एफ शार्प मेजर रखा है, ठीक है। तो पहले देख लीजिए इसमें कौन कौन से स्वर आपके यूज होंगे। सा ये रहेगा, सा रे गा मा पा धा सा, मध्य सप्तक में आपके ये स्वर यूज होंगे, सा रे गा मा पा धा सा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें तीव्र मा भी खूब अच्छे से यूज होगा, दोनों मा इसमें यूज होंगे, ये शुद्ध मा और ये तीव्र मा, दोनों मा अच्छे से यूज होंगे। और म्यूजिक पार्ट में आपका कोमल गा भी यूज होगा, म्यूजिक पार्ट में दोनों गा यूज होंगे और आपका स्थाई और अंतरे में दोनों मा यूज होंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को जरा अच्छे से समझिएगा, कहीं कुछ मिस्टेक ना हो। तो म्यूजिक पार्ट में आपके दोनों गा यूज होंगे और आपका स्थाई अंतरे में दोनों मा यूज होंगे, ठीक है। अब देखिएगा इधर आपका शुद्ध नी, मंत्र सप्तक और धा, ये दोनों स्वर भी यूज होंगे, ठीक है। इन स्वरों के साथ बनेगा ये सॉन्ग। आइए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले बस आपसे ये रिक्वेस्ट है। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइएगा फ्रेंड्स, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। देखिएगा जब गाना जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर इंट्रो म्यूजिक है, और इंट्रो म्यूजिक देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बजा करके दिखाता हूँ, फिर आपको सिखाऊंगा। इंट्रो है, ठीक है। और ये बात भी मैं आपको बता दूं, कुछ हमारे व्यूवर्स की फरमाइश रहती है कि सर गाने की ताल भी जरूर बताएं, तो ताल भी आप इसकी नोट कर लीजिए। ये 6 बीट में है गाना, और दादरा ताल इसको कहेंगे, दादरा की दुगुन इसमें बजी है, लेकिन थोड़ा स्टाइल कुछ अलग तरह से बजा है, जो इसमें रिदम बजा है। लेकिन अगर आप मात्राओं के हिसाब से गिनती करते हैं, काउंटिंग के हिसाब से गिनती करते हैं, तो 6 बीट है, 6 बीट का दुगुन है ये, इसको खेमटा भी आप कह सकते हैं और दादरा की दुगुन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आइएगा अब देखिएगा पहला पार्ट इंट्रो का। पहले ये पार्ट है, स्लो में देख लीजिए। दोनों का यहां पर यूज हो रहे हैं, नोटेशन देखिएगा ऐसा, सारे आता है फिर एक स्ट्रिंग का पार्ट। अब स्ट्रिंग क्या है, ये
इतना ये स्ट्रिंग का पार्ट है। स्लो में देख लीजिए, इतना पार्ट है। पा 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 धा सा धा सा धा सा धा पा 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 धा सा धा सा धा सा धा पा, इतना है। दो फ्रेज हैं इसके, पा 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 धा सा धा सा धा सा धा पा, इतना एक फ्रेज है। पा 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 धा सा धा सा धा सा धा पा। अब ये जो है आपका मध्य सप्तक का पा धा और तार सप्तक का सा, ये तीन स्वर पर ही है पूरा पार्ट। पा 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 धा सा धा सा धा सा धा पा, पा 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 धा सा धा सा धा सा धा पा, ठीक है। ये दो बार है, उसके बाद वापस फिर वही पार्ट आपका रिपीट होगा। समझ लीजिए पहले, चल प्रेम नगर जाएगा, साधा नोटेशन देखेगा, साधा धा सा 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 रे गा गा मा गा रे रे, साधा धा सा 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 रे गा गा मा गा रे रे, चल प्रेम नगर जाएगा, ठीक है। उसके बाद बतलाओ तांगे वाले, बतलाओ तांगे वाले, रे रे नी नी सा रे 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 सा सा, रे रे नी नी सा रे 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 सा सा, बतलाओ तांगे वाले। ठीक है, ये पूरी लाइन भी, चल प्रेम नगर जाएगा बतलाओ तांगे वाले, के बाद फिर नेक्स्ट लाइन स्थाई की है। मेरा तांगा नहीं है खाली, जांजर वाली भोली भाली मत वाली, मेरा तांगा नहीं, फिर ये लाइन आती है, ठीक है। आप कहां से शुरू होगी, मेरा तांगा नहीं है खाली, पापा मा पापा गा गा जांजर वाली बोली भाली मत वाली, बोली भाली मत वाली। अभी जो भोली भाली मत वाली, ये केवल इन तीन स्वरों पर ही है। गामा गारे इतना है। भोली भाली मत वाली, एक बार फिर से लाइन देख लीजिए। मेरा तांगा नहीं है खाली, जांजर वाली भोली भाली मत वाली दिल वाली, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। अब
उसके बाद फिर वापस वही धुन आ जाएगी। बोली बाली मत वाले दिल वाले मेरा तांगा नहीं है काली। पहली लाइन तो शुरू होती है ऐसा कल प्रेम नगर और ये मेरा तांगा सा की जगह रे यूज हो गए। मेरा तांगा नहीं है काली किसी और से बोल बिठा ले। ठीक है, ये आपकी स्थाई हुई। अब इसके बाद म्यूजिक आपका वही स्टार्टिंग वाला ही यूज होगा जो स्टार्टिंग में आपने सीखा है। फिर आपका अंतरा शुरू होगा। थोड़ा तेरा भारी वजन सामान भी ज्यादा है रस्ते पे मैं बैठी रहूं क्या तेरा ये इरादा है। ये इसका अंतरा। है ये एक जैसे थोड़ा तेरा भारी वजन सामान भी तो तीनों की नोटेशन भी सेम रहेगी। मापा मामा गा मापा मामा गा मापा मामा गा। ठीक है, थोड़ा तेरा भारी वजन सामान भी यहां तक हुआ। उसके बाद ज्यादा है ज्यादा है फिर ये लाइन क्लियर हुआ। रस्ते पे मैं बैठी रहूं क्या तेरा ये इरादा है। रस्ते पे मैं बैठी रहूं इतना देख लीजिएगा। रस्ते पे मैं बैठी रहूं गामा गगरे गामा गगरे रस्ते पे मैं बैठी रहूं गामा गगरे गामा गगरे रस्ते पे मैं बैठी रहूं। ठीक है, उसके बाद क्या तेरा ये इरादा है क्या तेरा ये इरादा है। अब यहाँ पर दोनों माँ का यूज चल रहा है साथ साथ, पहले शुद्ध फिर तीव्र फिर शुद्ध फिर तीव्र इस तरह से। क्या तेरा ये इरादा है रे रे पा मा पा रे रे सा रे गा गा। क्या तेरा ये इरादा है रे रे पा मा पा रे रे सा रे गा गा। ठीक है, तो पूरा अंतरा एक बार मैं बजा करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। सेम आप उस लाइन की धुन पर बजाएंगे, उसी तरह से बजाएंगे, चल प्रेम नगर जाएगा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई है, उसी नोटेशन पर आप इसको बजाएंगे। चल प्रेम नगर जाएगा थक जाऊंगी चलते चलते पड़ जाएंगे पांव में छाले। चल प्रेम नगर जाएगा बतलाओ दांगे। ठीक है, इस तरह से आप इस सॉन्ग को अच्छे से प्ले कर सकते हैं।
और जो इसका एक हिट म्यूजिक है वो मैंने आपको बता दिया है, इस स्ट्रिंग का पार्ट भी बीच का है वो भी आपको बता दिया है, और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपना प्यार अपना सपोर्ट चैनल को देते रहें, कीजिए आप इसकी प्रैक्टिस। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।